न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में वडोदरा शहर की यास्तिका भाटिया की नियुक्ति हुई है और इसी के साथ यास्तिका भाटिया ने शहर का गौरव बढ़ाया है। आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप साल 2022 में न्यूजीलैंड में मार्च और अप्रैल में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में वडोदरा की क्रिकेटर यास्तिका भाटिया की नियुक्ति हुई है। बड़ोदा क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप टीम में नियुक्त होने वाली यास्तिका पहली क्रिकेटर है। बीसीसीआई ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीमों की घोषणा कर दी है और जल्द ही यास्तिका न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। ऐसे में यास्तिका ने शहर का गौरव बढ़ाया है और क्या कहना है यास्तिका का इस बारे में, आइए उन्हीं से सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम यास्तिका भाटिया है और मैं भारत के लिए क्रिकेट खेलती हूँ। मैं जब 8 साल की थी तब से मैंने क्रिकेट की शुरुआत करी। उससे पहले मैं स्विमिंग, कराटे और बैडमिंटन जैसे तरह तरह के स्पोर्ट्स खेलती थी। मेरा बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि था और मेरे माता पिता ने उसमें मुझे बढ़ावा दिया। 8 साल की उम्र में मैंने खेलना शुरू किया वायसी क्लब से। हमारे खेल को देख के मेरी और मेरी बहन, हम दोनों खेलते थे। हमारी खेल को देख के हमें BCA में बुलाया गया और 10 साल की उम्र में मैं फर्स्ट टाइम टीम में आई थी, 19 साल के अंडर 19 में। और जब मैं 11 साल की थी तब मेरा डेब्यू हुआ था बड़ोदा अंडर 19 के लिए। पूर्णिमा राव के कोचिंग में मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं इंडिया के लिए खेल सकती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला और मैंने पर्सनल ट्रेनिंग चालू करी, पर्सनल कोचिंग स्टार्ट करी संतोष चौगले सर के साथ। उन्होंने मेरे बेसिक्स पे, मेरे गेम पे और बहुत वर्क किया, विकेट कीपिंग पे, बैटिंग पे, और उससे मेरे को काफ़ी फायदा हुआ जिससे कि मैं फर्स्ट 50 हुआ मेरा 2013 में। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके काफ़ी रन किए डोमेस्टिक में और मेरा फर्स्ट सेंचुरी हुआ था मेरे माता पिता के 25th एनिवर्सरी के दिन जो था 2017 में। उसके बाद सेंचुरी बनाती गई, 50 बनाती गई और इंडिया ए में भी बहुत अच्छा रहा मेरा, जब हम एशिया कप जीते थे श्रीलंका में, और बांग्लादेश इंडिया ए टूर भी अच्छा रहा। फिर हम क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेले थे पटना में, तब भी मैं पार्ट थी इंडिया बी टीम की, तब भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। ये सब को देख के मुझे साउथ अफ्रीका सीरीज में मेरा चयन हुआ। और हालांकि मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन काफ़ी सीनियर प्लेयर थे जैसे मिताली दी, जुलू दी, हैरी दी, स्मृति, सब ने बहुत अच्छा बैक किया, अच्छा सपोर्ट किया। और हमारे जो कोच थे WE रमन सर, उन्होंने मुझे किरण सर से इंट्रोड्यूस करवाया और उनके अंडर में ट्रेनिंग करवाई। तो किरण सर ने मुझे मेरे गेम पे, मेरे पावर हिटिंग पे, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड पे बहुत वर्क किया, विकेट कीपिंग पे वर्क किया। जब हम जून में उनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया लास्ट ईयर, तो उससे काफ़ी अच्छा रहा और बेंगलोर कैंप में मेरा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया के लिए। और फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मेरा चयन हुआ, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा खेला, 26 स्ट्रीक को ब्रेक करने में मेरा अच्छा योगदान था। और उसके बाद डोमेस्टिक सीजन भी अच्छा गया, चैलेंजर ट्रॉफी के परफॉर्मेंस से मैं प्लेयर ऑफ द मैच थी फाइनल में, वो सबको देख के मेरा चयन वर्ल्ड कप की टीम में हुआ है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।